Hey guys, this is me, Kiran, and welcome to my channel, Pickup Talks. So, आज हम बात करेंगे 8 ऐसे एयर प्यूरिफायर और लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स की जिन्हें हम इजीली घर में रख सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं. देखिए, चलिए देखते हैं. ये जो फर्स्ट पौधा आप देख रहे हैं, इसे हम सिंगोनियम कहते हैं, जिसके लीव्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी खूबसूरत होते हैं. ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट्स में गिना जाता है. सी, इसके वाइट लीव्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं. आप इन्हें पानी में भी इजीली उगा सकते हैं. सेकंड, माय पर्सनल फेवरेट ड्रेसिना प्लांट, जिसे हम ड्रैगन ट्री भी कहते हैं. इसे बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है. आप हफ्ते दो हफ्ते भी पानी नहीं देते तभी भी ये काफ़ी अच्छा. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में फॉक्स टेल फोन्स. ये फोन्स की ही एक वैरायटी है. ये काफ़ी खूबसूरत लगता है. इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं. ये डिम लाइट में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में मनी प्लांट. इसके बारे में आप सभी जानते होंगे. इसे लकी प्लांट भी कहते हैं. लोग इसे लक के लिए भी अपने घर में रखते हैं. आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रेट ग्रो कर रहा था, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा था. मैंने इसे फ्रंट से काट दिया है. आप देख सकते हैं साइड से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में स्पाइडर प्लांट. इसे बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी कहते हैं. इससे डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं होती. इसे एज अ डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं आप. ये हैंगिंग पोर्ट्स में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है. इसे हम चाइना पाम प्लांट कहते हैं. इसके लीव्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं. आप देख सकते हैं इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती. ये डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं करता. इसे आप सब जानते होंगे, हम इसे एलोवेरा प्लांट कहते हैं. ये आपकी फेस केयर के लिए, आपकी हेल्थ केयर के लिए, इवन आप इसे अपने हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए. ये काफ़ी यूजफुल प्लांट होता है और लो लाइट में भी इजीली ग्रो करता है. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में स्नेक प्लांट. ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स में गिना जाता है. इसे आप आउटडोर इनडोर कहीं भी रख सकते हैं. इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती. आप एक हफ्ते में इसे पानी